प्रत्याशी डॉक्टर सोमती केन ने बताया कि पीएम मोदी व सीएम योगी द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर सबका साथ सबका विकास का वादा करते हुए विकास कार्यों को किया जाएगा, साथ ही सुशासन के बल पर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करूंगी। इस दौरान उन्होंने जीत के बाद शहर में रिकॉर्ड तोड़ कार्य करने का दावा भी किया, साथ ही कहा कि जिस विश्वास के साथ उन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है उस विश्वास को वह कायम रखेगी, लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में अभी विकास की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। नामांकन करने के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश राणा, सदर विधायक विजय पाल आरती, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, जिला अध्यक्ष उमेश राणा, भाजपा के जिला प्रभारी मान सिंह गोस्वामी, जिला महामंत्री पुनीत गोयल आदि कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। सबका साथ सबका विकास और सब मिलजुल के सारे काम करने, जो भी समस्याएं आएंगी उन्हें देखा जाएगा और अच्छे से करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहली बार आपने राजनीति में कदम रखा है, हाँ। तो आप किस नजरिए से काम करेंगे? अगर आप जीत हासिल करती हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा जीत हासिल करने का? पहला, सबसे पहले तो विकास का ही रहेगा और सबकी सुरक्षा का भी रहेगा। मैडम, जैसे कि कौन सी समस्याएं हैं जिन समस्या को आप प्राथमिकता के तौर पर लेना चाहेंगे? विकास का रहेगा, जितनी भी समस्याएं हैं वो सब देखी जाएंगी, उनका पूरा कोशिश की जाएगी सब काम हो सके। तो कुल मिला के ये है कि जीतने के बाद हॉस्पिटल नहीं देख के नगर पालिका देखेंगे, सारे काम देखे जाएंगे। दोनों समय कैसे दे पाएंगे आप? कोशिश करेंगे कि बराबर अपना सहयोग दूं। सपोज करो यदि आपके यहाँ मरीज तड़प रहा हो और आपको नगर पालिका की जरूरत, तो उसे कैसे समाधान करेंगे? दूसरा डॉक्टर बुला के काम करवाएंगे। अच्छा, दूसरा डॉक्टर, हाँ। और नगर पालिका में जरूरत पड़ेगी तो नगर पालिका में एडमिट, जहाँ मेरी पहले ड्यूटी होगी वहाँ मैं पहले पहुँचूंगी। जी जी, धन्यवाद आप लोगों का। जी सर।